आज हम लोग हिंदी आलोचना के विकास क्रम का अध्ययन करेंगे कि हिंदी आलोचना का विकास कैसे हुआ और किन किन चरणों से होकर वह गुजरा और हम तक पहुंचा। तो इस हिंदी आलोचना के विकास का अध्ययन हम इन बिंदुओं के आधार पर कर सकते हैं। सबसे पहले देखेंगे प्रस्तावना, इंट्रोडक्शन। इसके बाद हिंदी आलोचना के विकास के विभिन्न चरण, अलग अलग स्टेजेस क्या थे आलोचना के विकास के। तो इसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल को सबसे ज्यादा महत्व दिया गया है हिंदी आलोचना में, क्योंकि उन्होंने हिंदी आलोचना को बहुत ही व्यवस्थित रूप प्रदान किया, वैज्ञानिक धरातल प्रदान किया। इसीलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल के नाम के आधार पर जो हिंदी आलोचना है उसको मुख्य रूप से तीन भागों में बांटा जा सकता है। शुक्ल पूर्व हिंदी आलोचना, मतलब आचार्य रामचंद्र शुक्ल से पहले की हिंदी आलोचना, इसके भी तीन भाग हैं। भारतेंदु पूर्व हिंदी आलोचना, भारतेंदु हरिश्चंद्र से पहले की हिंदी आलोचना, भारतेंदु युगीन हिंदी आलोचना, भारतेंदु हरिश्चंद्र के समय में हिंदी आलोचना की क्या स्थिति थी, द्विवेदी युगीन हिंदी आलोचना, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के समय में हिंदी आलोचना की क्या स्थिति थी। इसके बाद शुक्ल युगीन हिंदी आलोचना, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के समय में हिंदी आलोचना की क्या स्थिति थी। इसके बाद शुक्लोत्तर हिंदी आलोचना, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बाद हिंदी आलोचना। इसके अंतर्गत विभिन्न धाराएं हैं जिनका हम अध्ययन करेंगे। पहला है स्वच्छंदतावादी आलोचना, जिसे आप सौष्ठवादी आलोचना भी कहा जाता है, या फिर छायावादी आलोचना कह सकते हैं आप सरल शब्दों में। ऐतिहासिक आलोचना, फिर मार्क्सवादी आलोचना, जिसे प्रगतिवादी आलोचना भी कहा जाता है, मनोविश्लेषणात्मक आलोचना और नई समीक्षा। नमस्कार, मैं भूपेंद्र पांडे हिंदी चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि मेरे प्रत्येक वीडियो का अपडेट्स आपको मिलते रहे। चलिए शुरू करते हैं प्रस्तावना। हिंदी में आलोचना शब्द अंग्रेजी के क्रिटिसिज्म का पर्याय है, जिसका अर्थ है मूल्यांकन अथवा निर्णय करना। हिंदी में जिसे हम आलोचना के नाम से जानते हैं, अंग्रेजी में उसे क्रिटिसिज्म कहा जाता है, और इसका अर्थ है मूल्यांकन करना अथवा निर्णय करना। अर्थात किसी वस्तु या कृति की सम्यक व्याख्या अथवा उसका मूल्यांकन आदि करना ही आलोचना है। यहाँ पर चूंकि हम साहित्य के संबंध में बात कर रहे हैं, अर्थात किसी भी साहित्यिक कृति की व्याख्या करना, पूरी तरह से उसकी व्याख्या करना और उसका मूल्यांकन करना, उसके गुण दोष की समीक्षा करना ही आलोचना कहा जाता है। आलोचना को समीक्षा भी कहा जाता है। समीक्षा का अर्थ है सम्यक निरीक्षण, पूरी तरह से निरीक्षण करना। वस्तुतः पहले सृजनात्मक साहित्य प्रकाश में आता है, तत्पश्चात उसकी आलोचना की आवश्यकता का अनुभव किया जाता है। मतलब कोई रचनाकार सबसे पहले रचना करता है, कोई कविता लिखता है, कोई कहानी लिखता है, कोई उपन्यास, गीत, गजल इत्यादि, उसके बाद उसकी समीक्षा या उसकी आलोचना की आवश्यकता होती है। पर आज हिंदी आलोचना का क्षेत्र विस्तार हो जाने के परिणाम स्वरूप इसके लिए समीक्षा, आलोचना, समालोचना जैसे शब्दों का भी प्रयोग किया जाता है। हिंदी आलोचना आज हमारे जीवन के हर क्षेत्र में व्याप्त है यह आलोचना, इसीलिए जो आलोचना शब्द है उसके लिए कई प्रकार के शब्द प्रयोग में लाए जाते हैं। समीक्षा, समालोचना, आलोचना, सबका अर्थ एक ही होता है। आम जिंदगी में हम किसी की आलोचना करते हैं, किसी को क्रिटिसाइज करते हैं, तो हम सिर्फ उसके दोष बताते हैं, उसकी कमियां बताते हैं। लेकिन साहित्य में जब हम आलोचना करते हैं, तब हम उसकी व्याख्या करते हैं किसी साहित्य कृति की, और उसके गुण और दोष का विवेचन करते हैं। मतलब आलोचना में गुण और दोष और उसकी व्याख्या सभी सम्मिलित होते हैं, इसे आलोचना कहा जाता है। बाबू गुलाब राय के अनुसार आलोचना का अर्थ है, बाबू गुलाब राय ने इसको परिभाषित किया है, आलोचना का मूल उद्देश्य कवि की कृति का सभी दृष्टिकोणों से आस्वाद कर पाठकों को उस प्रकार के आस्वाद में सहायता देना तथा उनकी रुचि को परिमार्जित करना एवं साहित्य की गति निर्धारित करने में योग देना है। तो बाबू गुलाब राय का कहना है, फिर ऐसे कोई आलोचक जब किसी की कृति को पढ़ता है, तब उसको जिस प्रसन्नता और जिस आनंद का अनुभव होता है, जैसा वह रसा स्वादन करता है, रस का अनुभव करता है, वैसा ही रस का अनुभव उसके पाठक को भी अनुभव होना चाहिए। इसलिए वह क्या करता है, समालोचक उसकी व्याख्या करता है, और क्या करता है, वह पाठक की रुचि को परिमार्जित करता है, शुद्ध करता है कि किस प्रकार से किसी रचना को पढ़ा जाना चाहिए और कैसे उसका अर्थ ग्रहण क्या करना चाहिए, और साहित्य की गति निर्धारित करने में योग देता है। साहित्य की गति निर्धारित करने में, जैसे हम जानते हैं कि साहित्य समाज का दर्पण है, तो वह साहित्यकार को यह भी बताता है कि किस प्रकार का साहित्य अभी लिखा जाना चाहिए, मतलब वर्तमान समय में किस प्रकार का साहित्य लिखा जाना चाहिए, उसके साहित्य में क्या कमी है और क्या अच्छाई है, इनका वह वर्णन करता है। तो बाबू गुलाब राय का कहना है, इस तरह आलोचना साहित्य की व्याख्या करती है, उसके गुण दोष बताती है, उसके निर्माण की दिशा निर्धारित करती है,
मतलब आप बताते हैं साहित्यकार को आलोचक की भाई आपको इस तरह की रचना लिखनी चाहिए, आपकी रचना में यह कमी है और यह अच्छी बात है। हिंदी आलोचना का इतिहास रीतिकाल से थोड़ा पहले शुरू होता है। रीतिकाल का रीतिबद्ध साहित्य रीतिवादी आलोचना से प्रभावित है और लक्षणों के उदाहरण रूप में रचा गया है। वास्तव में रीतिकाल में जो रीतिबद्ध कवि थे वो क्या करते थे, लक्षणों के माध्यम से, लक्षण मतलब काव्य के लक्षण, काव्य के गुण दोष, उनकी विवेचना किया करते थे। लेकिन उस समय गद्य में ही पद्य में किया करते थे, तब से चालू है ये। दरअसल उस समय विवेचना गद्य में नहीं पद्य में की जाती थी। यह माध्यम विवेचन विश्लेषण के लिए उतना उपयुक्त नहीं था। साहित्य को देखने समझने की दृष्टि बदली तो उसके मूल्यांकन की कसौटी भी बदल गई। तो वास्तव में रीतिकाल में जो लक्षण ग्रंथ जो लिखे जा रहे थे, साहित्य की जो समीक्षा की जा रही थी वो पद्य में की जा रही थी, और पद्य वह है किसी समीक्षा या आलोचना के लिए उपयुक्त विधा नहीं है, गद्य में लिखा जाना चाहिए। तो इस प्रकार साहित्य को देखने समझने का दृष्टिकोण बदलते गया, अलग अलग दृष्टिकोण से देखा जाने लगा, इसलिए साहित्य के मूल्यांकन की कसौटी भी बदल गई। आलोचना में जो युगांतर आया, युगों का अंतर आया, उसे प्रमुखता तीन युगों में हम बांट सकते हैं। मतलब हिंदी आलोचना को हम तीन युगों में बांट सकते हैं। शुक्ल पूर्व युग मतलब आचार्य रामचंद्र शुक्ल से पहले का युग, शुक्ल युग आचार्य रामचंद्र शुक्ल का समय, और शुक्लोत्तर युग आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बाद का समय। अब हम देखते हैं हिंदी आलोचना के विकास के विभिन्न चरण, इन तीन चरणों को हम देखते हैं। हिंदी आलोचना का प्रारंभ भी गद्य की अन्य विधाओं के साथ ही साथ भारतेंदु यानी आधुनिक युग से हुआ। आपको पता है कि गद्य की विधा का शुरुआत कब हुआ, भारतेंदु युग में हुआ। गद्य लेखन की शुरुआत कब हुई, भारतेंदु युग से शुरू हुआ गद्य लेखन हिंदुस्तान, और उसके साथ ही हिंदी आलोचना भी शुरू हुआ। इस युग में मुद्रण कला का विकास हुआ। भारतेंदु के समय में मुद्रण कला का, प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार हो चुका था, विकास हो चुका था। राजनीतिक जागृति आई लोगों में और पत्र पत्रिकाओं का लगातार प्रकाशन हुआ। अंग्रेजी साहित्य के संपर्क से लोगों को नई नई जानकारियां मिली। भारतेंदु का समय 1850 से 1885 था, उस समय भारत में अंग्रेजों का शासन था। तो ये पाश्चात्य साहित्य के संपर्क में आए भारतवासी, अंग्रेजी साहित्य के संपर्क में, तो लोगों को नई नई जानकारियां मिली, उनके ज्ञान के क्षेत्र का वृद्धि हुआ, विस्तार हुआ। स्कूल कॉलेजों में हिंदी पढ़ाई जाने लगी। अध्यापकों को साहित्य सृजन की नवीन प्रेरणा मिली, जिसके फलस्वरूप गद्य में पुस्तकें लिखी जाने लगी। मतलब पहले जो अभी तक रीतिकाल में पद्य में लिखा जा रहा था वह गद्य में लिखा जाने लगा। इस प्रकार धीरे धीरे गद्य की तमाम विधाओं का विकास हुआ, जैसे कहानी है, नाटक है, उपन्यास है, तो गद्य के विभिन्न विधाएं, संस्मरण है, यात्रा वृतांत है, इनका विकास हुआ। गद्य का विकास भी आधुनिक आलोचना के उद्भव और विकास का सहायक कारण बना। मतलब गद्य का जैसे जैसे विकास हुआ उसी के कारण आधुनिक आलोचना का भी विकास हुआ। आलोचना के विकास में पाश्चात्य साहित्य और बौद्धिक जागृति प्रधान कारण थे। तो हिंदी आलोचना के विकास में जो सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा वह पाश्चात्य साहित्य और पाश्चात्य आलोचना को पड़ा, क्योंकि यहाँ वहां वह पहले से व्यवस्थित रूप में चला आ रहा था, तो उन्हीं के प्रभाव से हिंदुस्तान में भी चालू हुआ। और बौद्धिक जागृति भी प्रधान कारण थे, लोगों में जो बौद्धिक जागृति उत्पन्न हुई उस समय आजादी के पहले। उस समय एक एक विषय पर इतनी पुस्तकें प्रकाशित हो रही थी कि सबको पढ़ना संभव नहीं था, अतः पाठक अच्छी पुस्तकों की उपादेयता को आंकने लगा। इसी से उसमें आलोचना की प्रवृत्ति पैदा हो गई। मतलब एक ही विषय पर बहुत सारी किताबें उपलब्ध हो रही थी, क्योंकि प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार हो चुका था, तो पाठक यह जानना चाहता था भाई कौन सी पुस्तक मेरे लिए उपयोगी है, कौन सा पुस्तक मेरे लिए महत्वपूर्ण है, तो वह उसके महत्व का आकलन करने लगे, समीक्षा करने लगे। आलोचना की प्रवृत्ति पैदा हो गई। इसे हिंदी साहित्य को युगीन परिस्थितियों ने नए आयाम और संदर्भ दिए, फलतः आलोचना के पुराने मानदंड अपर्याप्त दिखाई देने लगे और पाश्चात्य समीक्षा साहित्य से प्रेरणा प्राप्त करके हिंदी आलोचना ने नए युग में प्रवेश किया। हिंदी साहित्य में जो पुराने आयाम थे वो क्या थे, रीति ग्रंथ, लक्षण ग्रंथ थे। मतलब जो पुराने काव्य कृतियों के लक्षणों का, के उसके गुण दोष का वर्णन किया जाता था पहले पद्य में, तो ये मापदंड अपर्याप्त हो गए, क्योंकि अब गद्य में रचना होने लगी थी, कहानी उपन्यास इन सब का में लेखन किया जाने लगा था, केवल कविता नहीं लिखी जा रही थी, इसलिए पुराने मापदंड क्या थे, अपर्याप्त होने लगे। और पाश्चात्य समीक्षा से भी नव प्रेरणा ग्रहण किया, पाश्चात्य साहित्य में उपन्यास, कहानी ये पढ़ने लगे, तो इनको क्या, उससे प्रेरणा प्राप्त हुई और इस प्रकार हिंदी आलोचना ने नए युग में प्रवेश किया। आलोचना के प्रारंभिक काल में निंदा स्तुति की अधिकता रही। शुरुआत में क्या हुआ, जब आलोचना शुरू होता सिर्फ या तो गुण बताया जाता, उसकी स्तुति की जाती, या फिर उसकी कमी बताई जाती, उसकी निंदा की जाती। भारतेंदु काल की आलोचना में भी यही हुआ था, निंदा और स्तुति। इस युग के बाद पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी के प्रयत्नों से हिंदी आलोचना का स्वरूप कुछ और अधिक व्यवस्थित और सुनियोजित हुआ।
लेकिन भारतेंदु युग के बाद जब आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन शुरू किया 1903 में, उसके बाद से हिंदी आलोचना का स्वरूप कुछ और अधिक व्यवस्थित और सुनियोजित हो गया। हिंदी आलोचना में विश्लेषण और मूल्यांकन की प्रवृत्ति तेजी से बढ़ने लगी आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के समय में। आचार्य इसके बाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जब समय आया तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी आलोचना को शास्त्रीय एवं वैज्ञानिक धरातल पर प्रतिष्ठित किया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पाश्चात्य समीक्षा शास्त्र, पाश्चात्य समालोचना का गहन अध्ययन किया था, इसलिए उन्होंने हिंदी समालोचना और पाश्चात्य समालोचना अर्थात हिंदी आलोचना और पाश्चात्य आलोचना दोनों का समन्वय किया और दोनों का समन्वय करके हिंदी आलोचना को शास्त्रीय और वैज्ञानिक धरातल पर प्रतिष्ठित किया, उचित स्थान प्रदान किया, उसका विकास किया। मतलब आचार्य रामचंद्र का शुक्ल का जो महत्व है, जो उनका योगदान है हिंदी आलोचना को विकसित करने में, वह सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इसलिए हिंदी आलोचना के विकास के केंद्र में आचार्य रामचंद्र शुक्ल को मानते हुए हम उसे तीन युगों में बांट सकते हैं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल को यदि हम हिंदी आलोचना के केंद्र में रखते हैं तो हिंदी आलोचना के विकास को हम तीन चरणों में विभाजित कर सकते हैं। पहला है शुक्ल पूर्व हिंदी आलोचना आचार्य रामचंद्र शुक्ल से पहले, यह समय है 1850 से 1920 ईस्वी। दूसरा है शुक्ल युगीन हिंदी आलोचना 1920 से 1940 ईस्वी। इसके बाद शुक्लोत्तर हिंदी आलोचना 1940 से लेकर आज तक। अब हम देखते हैं शुक्ल पूर्व हिंदी आलोचना आचार्य रामचंद्र शुक्ल से पहले की जो हिंदी आलोचना है उसे भी हम तीन चरणों में विभाजित कर सकते हैं। शुक्ल पूर्व हिंदी आलोचना के विकास को तीन चरणों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है भारतेंदु पूर्व हिंदी आलोचना, रीतिकाल के जो लक्षण ग्रंथ थे रीतिकालीन आलोचना भारतेंदु पूर्व हिंदी आलोचना। फिर भारतेंदु युगीन हिंदी आलोचना भारतेंदु हरिश्चंद्र के समय की हिंदी आलोचना। उसके बाद द्विवेदी युगीन हिंदी आलोचना आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के समय की हिंदी आलोचना। तो इस प्रकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल से पहले के काल को आलोचना में हम तीन भागों में विभाजित कर सकते हैं, भारतेंदु पूर्व हिंदी आलोचना, भारतेंदु युगीन हिंदी आलोचना और द्विवेदी युगीन हिंदी आलोचना। अब भारतेंदु पूर्व हिंदी आलोचना में इस समय आलोचना की दो विशिष्ट धाराओं को देखा जा सकता है। मतलब भारतेंदु पूर्व हिंदी आलोचना में आलोचना की दो धाराएं थी, अलंकारवादी और रसवादी। अलंकारवादी धारा के प्रवर्तक केशवदास हैं तो रसवादी धारा के प्रवर्तक देव मतीराम और बिहारी हैं। अर्थात भारतेंदु पूर्व हिंदी आलोचकों वास्तव में उस समय आलोचक नहीं होते थे, काव्य शास्त्र के विवेचक होते थे, जो लक्षण ग्रंथ लिखते थे। इनमें कौन कौन प्रमुख थे? आचार्य केशवदास, चिंतामणि, कृपाराम, पद्माकर, भिखारी दास, देव घनानंद, मतीराम बिहारी आदि प्रमुख हैं। लक्षण ग्रंथ मतलब जिसमें काव्य के लक्षणों का गुण दोष का विवेचन किया जाता है। अब इनके बाद भारतेंदु का समय चालू होता है। भारतेंदु युग की हिंदी आलोचना के प्रमुख आलोचक कौन कौन से हैं? भारतेंदु युग के प्रमुख आलोचक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन और बालकृष्ण भट्ट इत्यादि। इसके बाद आता है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का समय। उनके समय के हिंदी आलोचना में पांच प्रकार के रूप मिलते हैं। द्विवेदी युग में हिंदी आलोचना के पांच रूप मिलते हैं, शास्त्रीय आलोचना, तुलनात्मक आलोचना, अनुसंधान परक आलोचना, परिचयात्मक आलोचना और व्याख्यात्मक आलोचना। तो द्विवेदी युग में हिंदी आलोचना में पांच प्रकार की आलोचनाएं पाई जाती हैं। और द्विवेदी युग के मुख्य आलोचक कौन कौन से हैं? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी स्वयं है, जगन्नाथ प्रसाद भानु, लाला भगवान दीन, पंडित पद्मश्री शर्मा, मिश्र बंधु, कृष्ण बिहारी मिश्र, श्यामदास, जगन्नाथ दास रत्नाकर, सुधाकर द्विवेदी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी आदि। तो द्विवेदी युगीन आलोचना हुई। इसके बाद आता है शुक्ल युगीन आलोचना, आलोचना का जो दूसरा भाग है। अभी तक हम देख रहे थे शुक्ल से पूर्व, है ना, शुक्ल से पूर्व की हिंदी आलोचना, आचार्य रामचंद्र शुक्ल से पहले की हिंदी आलोचना। अब क्या देख रहे हैं? शुक्ल युगीन हिंदी आलोचना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के समय में हिंदी आलोचना की क्या स्थिति थी? वास्तव में हिंदी आलोचना का पूर्ण रूप शुक्ल युग में ही निखर पाया और इसका श्रेय इस युग के प्रमुख आलोचक आचार्य रामचंद्र शुक्ल को है। इन्होंने इसको वैज्ञानिक रूप प्रदान किया, शास्त्रीय रूप प्रदान किया और पाश्चात्य और भारतीय आलोचना का इन्होंने समन्वय किया। इस युग में समीक्षा के लिए जो मानदंड और शैली अपनाई गई उसमें प्रमुख है। किस आधार पर रचनाओं की समीक्षा की जा रही थी? सुरुचि और नैतिकता के आधार पर, शास्त्रीयता के आधार पर, कवि के व्यक्तित्व का अध्ययन किया जा रहा था, तुलना और निर्णय और देशकाल की समीक्षा। तो शुक्ल युग के प्रमुख आलोचक कौन कौन से हैं? बाबू गुलाब राय, बाबू श्याम सुंदर दास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, लक्ष्मी नारायण सुधांशु, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, डॉक्टर राम कुमार वर्मा आदि।
ये शुक्ल युग के प्रमुख आलोचक है। अब आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बाद जो नया युग आया उसे कहा जाता है शुक्लोत्तर हिंदी आलोचना। शुक्लोत्तर हिंदी आलोचना में जो आलोचना के अनेक रूप सामने आए, शुक्लोत्तर युग में आलोचना अनेक धाराओं में विकसित हुई, कई प्रकार की धाराएं हो गई, कई प्रकार की कैटेगरी हो गई। स्वच्छंदतावादी समीक्षा, जिसे आप छायावादी या रोमांटिक क्रिटिसिज्म कहते हैं, छायावादी, स्वच्छंदतावादी, सौष्ठवादी। फिर ऐतिहासिक समीक्षा, ऐतिहासिक या सांस्कृतिक समीक्षा। मनोविश्लेषणात्मक समीक्षा, मार्क्सवादी आलोचना, जिसे आप प्रगतिवादी आलोचना भी कहते हैं। नई समीक्षा, जिसे अंग्रेजी में न्यू क्रिटिसिज्म कहते हैं। अब हम देखते हैं स्वच्छंदतावादी समीक्षक कौन कौन से। स्वच्छंदतावादी समीक्षकों को सौष्ठवादी भी कहा जाता है। स्वच्छंदतावादी समीक्षा पद्धति के प्रतिनिधि आलोचक हैं पंडित नंद दुलारे वाजपेयी, डॉक्टर नगेंद्र, पंडित शांति प्रिय द्विवेदी। छायावाद के मूल्यांकन के प्रश्न पर इन आलोचकों ने आचार्य शुक्ल का विरोध किया था। आचार्य शुक्ल छायावाद का सही ढंग से मूल्यांकन नहीं कर पाए इनके हिसाब से, इसलिए इन्होंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल का विरोध किया, शुक्लोत्तर आलोचना वाले। ऐतिहासिक समीक्षा को सांस्कृतिक समीक्षा भी कहा जाता है। ऐतिहासिक समीक्षा में कौन कौन प्रमुख है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी प्रमुख है। मार्क्सवादी समीक्षा कौन कौन से हैं, मार्क्सवादी समीक्षा, मार्क्सवादी आलोचकों में शिवदान सिंह चौहान, प्रकाश चंद्र गुप्त और डॉक्टर रामविलास शर्मा अग्रणी है। मनोविश्लेषणात्मक समीक्षा में कौन कौन प्रसिद्ध है, मनोविश्लेषणवादी समीक्षा के क्षेत्र में सच्चिदानंद, हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, इला चंद्र जोशी और देवराज उपाध्याय के नाम उल्लेखनीय है। ये फ्रायड, एडलर और युंग के जो मनोविश्लेषण सिद्धांत है उसके आधार पर साहित्यिक कृतियों की समीक्षा करते हैं। नई समीक्षा या न्यू क्रिटिसिज्म में कौन प्रसिद्ध है, नई समीक्षा के अंतर्गत सच्चिदानंद, हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, गिरिजा कुमार माथुर, शमशेर बहादुर सिंह, धर्मवीर भारती, नलिन विलोचन शर्मा, नेमी चंद्र जैन, लक्ष्मीकांत वर्मा आदि प्रमुख हैं। और इन तमाम आलोचकों के साथ कुछ नए आलोचक और शामिल हैं इनमें, ये हैं डॉक्टर जगदीश गुप्त, डॉक्टर विजय देव नारायण शाही, डॉक्टर शंभुनाथ सिंह, डॉक्टर बच्चन सिंह, डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त, डॉक्टर देवी शंकर अवस्थी, डॉक्टर इंद्रनाथ मदान, कमलेश्वर, राजेंद्र यादव, डॉक्टर रमेश कुंतल मेघ आदि। इन नए आलोचकों द्वारा हिंदी आलोचन में साहित्य को जांचने परखने के लिए नए मूल्य विकसित हुए, विश्लेषण की नई प्रणाली बनी, नई भाषा का विकास हुआ। यह कुछ हमारे नए समीक्षक हैं, तो आपको पता होना चाहिए। अब हम देखते हैं निष्कर्ष। तो आपको मैं यहाँ पर बता देता हूँ, यह सिर्फ इंट्रोडक्शन है। हिंदी आलोचना का विकास कैसे हुआ, यह सिर्फ एक इंट्रोडक्शन है। और जितने मैं टॉपिक्स आपको ऊपर बताया हूँ अलग अलग, जैसे मैंने बताया आपको भारतेंदु पूर्व हिंदी आलोचना, फिर भारतेंदु युगीन हिंदी आलोचना, फिर द्विवेदी युगीन हिंदी आलोचना, शुक्ल युगीन हिंदी आलोचना, शुक्लोत्तर हिंदी आलोचना और स्वच्छंदतावादी आलोचना, ऐतिहासिक आलोचना, मार्क्सवादी आलोचना, मनोविश्लेषणात्मक आलोचना और नई समीक्षा। इन सब पर मेरे अलग अलग एपिसोड आएंगे, मतलब अभी 9-10 अलग अलग छोटे छोटे एपिसोड आएंगे। एक एपिसोड में बहुत लंबा हो जा रहा था, तो आप कंटिन्यूअसली इसको देखते रहे, क्योंकि परीक्षा में कोई भी प्रश्न आ सकता है। भारतेंदु पूर्व जो समीक्षा है उसकी प्रवृत्तियों का उल्लेख करिए, भारतेंदु युगीन समीक्षा की क्या प्रवृत्ति रही, आलोचना की प्रवृत्ति क्या रही। इसलिए मैं छोटे छोटे बहुत सारे एपिसोड बनाऊंगा, 9-10 एपिसोड आपके आएंगे, इसलिए आपको उसको कंटिन्यू देखते रहे। तो ये खत्म नहीं हुआ, यह सिर्फ इंट्रोडक्शन है, सिर्फ आपकी शुरुआत है या हिंदी आलोचना को समझने के लिए। तो आइए निष्कर्ष देखते हैं। इस प्रकार ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में हिंदी आलोचना के क्रमिक विकास का व्यवस्थित रूप से अध्ययन किया जा सकता है ना। ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य मतलब रीति काल से आज तक हम हिंदी आलोचना का व्यवस्थित रूप से अध्ययन कर सकते हैं। भारतेंदु युग की तत्कालीन राजनीतिक और सामाजिक परिवर्तनों से लोगों में जागृति आई। भारतेंदु के समय में भारत क्या परतंत्र था, उस समय लोगों में राजनीतिक चेतना जागृत हुई और सामाजिक परिवर्तनों से लोगों में जागृति आई। ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज बहुत सारे वहां पर बने थे, बहुत प्रकार की समिति और संस्थाएं बनी थी। मुद्रण कला के विकास से अनेक पत्र पत्रिकाएं प्रकाशित होने लगी। विश्वविद्यालय में हिंदी पढ़ाई जाने लगी। पाश्चात्य साहित्य का भी प्रभाव पड़ा। फलस्वरूप अन्य गद्य विधाओं के साथ साथ आलोचना की भी शुरुआत आधुनिक युग यानी भारतेंदु युग में हुई। भारतेंदु युग से हिंदी गद्य की विभिन्न विधाओं की शुरुआत होती है, जैसे नाटक है, कहानी है, उपन्यास है, और इसी समय हिंदी आलोचना भी शुरू हुआ। भारतेंदु युग में आलोचना केवल गुणदोष विवेचन तक ही सीमित रही, लेकिन द्विवेदी युग से हिंदी आलोचना में अधिक तर्क शक्ति और विचार क्षमता में प्रवेश किया। हिंदी आलोचना का वैज्ञानिक आधार शुक्ल युग में ही मिला। भारतेंदु हरिश्चंद्र के समय में केवल विभिन्न कृतियों के गुण और दोष का ही विवेचन करता था, लेकिन बाद में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के समय में लॉजिकली मतलब तार्किक दृष्टिकोण से कृतियों की समीक्षा होने लगी।
लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उसे व्यवस्थित और वैज्ञानिक धरातल प्रदान किया, व्यवस्थित रूप प्रदान किया। उसमें विश्लेषण विश्लेषण की प्रवृत्ति भी आई, एनालिसिस कैसे करते हैं, विभिन्न कृतियों का एनालिसिस कैसे करें। इस तरह आपने देखा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी आलोचना के विकास में अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। यही कारण है कि हमने हिंदी आलोचना का विकास केंद्र आचार्य रामचंद्र शुक्ल को मानते हुए उसे तीन भागों में बांटा है, शुक्ल पूर्व हिंदी आलोचना, शुक्ल युगीन हिंदी आलोचना और शुक्लोत्तर हिंदी आलोचना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के योगदान को देखते हुए हिंदी आलोचना को उनके नाम से तीन भागों में विभाजित किया जा सकता है, तीन चरणों में। शुक्लोत्तर युग में समीक्षा की अनेक नई पद्धतियां अपनाई जाने लगी, क्योंकि युगीन साहित्य को समझने के लिए आलोचना के पुराने मानदंड काफी नहीं थे, क्योंकि जैसे जैसे समय बदलते जा रहा है नए नए प्रकार की कृतियां लिखी जा रही है, तो जिन मापदंडों के आधार पर हम अपनी साहित्यिक कृतियों की पहले समीक्षा कर रहे थे वे अब अपर्याप्त हो गए। समय के साथ साथ समीक्षा पद्धति में परिवर्तन भी आ गई, इसीलिए नई पद्धतियां आई कृतियों की समीक्षा की, और ये कौन कौन से हैं, स्वच्छंदतावादी है ना, रोमांटिक या फिर छायावादी, ऐतिहासिक, मार्क्सवादी, मनोविश्लेषणात्मक और नई आलोचना। हिंदी साहित्य के विकास के साथ साथ आलोचना के मूल्यांकन में भी प्रगतिशील परिवर्तन हुए हैं, किंतु अभी आलोचना का विभिन्न नए आयामों की आवश्यकता हुई है। वास्तव में जो हमारा हिंदी साहित्य बहुत आगे निकल गया है, लेकिन आलोचना को भी नई नई पद्धतियों का विकास करते हुए उसके साथ ही विकसित होते जाना है। तो इस प्रकार हमने देखा कि हिंदी आलोचना का विकास किस प्रकार से हुआ है। यदि मेरा आज का एपिसोड आपको अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखकर जरूर बताएं। साथ ही यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि मेरे प्रत्येक वीडियो का अपडेट आपको मिलते रहे। और इसका जो नोट्स है उसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।